ASN24 पल पल की खबर। रायगढ़ जिले के लारा में भूविस्थापितों द्वारा एक सूत्रीय मांग स्थायी नौकरी को लेकर एनटीपीसी के खिलाफ आंदोलन अब पूरे जोश के साथ जन आंदोलन की ओर अग्रसर है। इस आंदोलन को सभी सामाजिक संगठनों एवं राजनीतिक दलों का समर्थन भी है। बावजूद एनटीपीसी प्रबंधन कुंभकर्णीय नींद में सोई हुई है। एनटीपीसी प्रबंधन हर बार भूविस्थापितों के प्रदर्शन को आश्वासन से कुचल देता है, बाद में वादा खिलाफी कर अपनी बातों में मुकर जाते हैं। इस तरह भूविस्थापित लगातार छले जा रहे हैं। छले जाने के बाद ग्रामीण फिर से लामबंद होते हैं और फिर से नौकरी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं, और यही सिलसिला पिछले 2014 से चला आ रहा है। इस बीच कई बार कलेक्टर ग्रामीणों और एनटीपीसी प्रबंधन के बीच समझौता को लेकर बैठक ले चुके हैं। हर बैठक में एनटीपीसी प्रबंधन भूविस्थापितों को नौकरी देने की बात करता है, लेकिन बाद में वादा खिलाफी कर जाता है। जून 2020 में भी रायगढ़ जिले के कलेक्टर ने ग्रामीणों और एनटीपीसी प्रबंधन दोनों की बैठक ली थी, जिसमें कलेक्टर के समक्ष एनटीपीसी प्रबंधन द्वारा वर्तमान में 121 ग्रामीणों को नौकरी देने का आश्वासन दिया था, लेकिन 2 माह हो चुका है, अभी तक किसी भी भूविस्थापित को नौकरी नहीं मिली है। पीड़ित ग्रामीणों की माने तो एनटीपीसी प्रबंधन ग्रामीणों से कहते हैं कि नौकरी तो मिलेगी, पर कब मिलेगी इसकी जानकारी हम नहीं दे सकते। जी, एनटीपीसी लारा परियोजना के लिए हम सबकी निजी जमीन अधिग्रहित की गई है, और जो शासन के गाइडलाइन में है कि प्रत्येक भू विस्थापितों को उसके शैक्षणिक योग्यता अनुसार नौकरी मिलनी चाहिए, और इस संबंध में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी 5 मार्च 2019 को एनटीपीसी के उच्च अधिकारी और शासन के उच्च अधिकारियों की एक बैठक लेकर के भू विस्थापितों को नौकरी देने हेतु आदेश भी किया हुआ था, परंतु एनटीपीसी प्रबंधन आज 1.5 साल हो गया उस नौकरी वाले मामले में शासन प्रशासन को गुमराह कर रहा है। जैसे ही जिला प्रशासन ने फिर से इस मामले को संज्ञान में लेते हुए 28 जून को एक भू विस्थापित लारा संघर्ष और एनटीपीसी के अधिकारियों की एक बैठक आयोजित करवाई, और उसमें 121 चिन्हांकित भू विस्थापितों को 1 माह में नौकरी देने के लिए निर्देशित किया, परंतु आज 2.5 महीना हो गया है, एनटीपीसी नौकरी देना प्रारंभ नहीं किया है, बल्कि इसमें भू विस्थापितों को उनके पात्रता को लेकर के, कभी उनकी पात्रता को लेकर के तो कभी उनके शैक्षणिक योग्यता, तो कभी उनके उम्र को लेकर के बार बार शासन प्रशासन और हम भू विस्थापितों को गुमराह कर रहा है। तो उसके इस रवैये से ऐसा जान पड़ता है कि एनटीपीसी नौकरी देने के मूड में नहीं है। अभी तक मुआवजा वगैरह कुछ नहीं मिला है? मुआवजा जमीन का मुआवजा मिल गया है, लेकिन शासन के जो गाइडलाइन के अनुसार हमको रोजगार मिलना चाहिए वो हमको नहीं मिला है। कितने साल हो गया जी? ये लगभग 8 साल होने को है। खाली आश्वासन ही मिल रहा है अभी तक? हाँ, आश्वासन ही मिल रहा है। तो अभी तक कितने यहाँ कितने बार प्रदर्शन कर चुके हैं इससे? जी, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हम लगभग 210 दिन का लगातार आंदोलन किए थे 2018 में। 20 फरवरी 2018 से हमारा आवेदन शुरू हुआ था और लगभग 210 दिन तक चला था। इस बीच में हमने आमरण अनशन भी किया था, लेकिन बलपूर्वक हमारे आंदोलन को कुचलते हुए हमको जेल में डाल दिया गया था उस समय। अभी तक मुआवजा मिल चुका है पर नौकरी नहीं मिल पाई जी। कितने लोग हैं ऐसे जिसको नौकरी नहीं मिल पाई है? जी, यहाँ तो लगभग 2449 किसानों की जमीन गई हुई है, उसमें से किसी को भी नौकरी नहीं मिला है। इस बात को लेकर जब हमारी टीम ने एनटीपीसी लारा प्रबंधन से यह जानना चाहा कि हितग्राही भूविस्थापितों को कब तक नौकरी मिलेगी, यह सवाल सुनकर एनटीपीसी प्रबंधन द्वारा गोलमोल जवाब दिया गया और एनटीपीसी डायरेक्टर के परमिशन बिना कैमरे के सामने कुछ भी कहने से मना कर दिया। गौरतलब है कि रायगढ़ जिले के लारा ग्राम पंचायत में सन 2012 से एनटीपीसी बनना शुरू हुआ था। इसमें 9 गांव के 2700 एकड़ निजी जमीन को अधिग्रहण किया गया था, जिसमें एनटीपीसी लारा के द्वारा 2571 जमीन खातेदार परिवार को योग्यता अनुसार एनटीपीसी लारा में नौकरी देने की बात कही गई थी। 2571 जमीन खातेदारों में से कुछ ग्रामीणों ने नौकरी के बदले मुआवजा मांगा था और कुछ ने नौकरी की मांग की थी, लेकिन आज पर्यंत तक किसी भी भूविस्थापितों को नौकरी नहीं दी गई है, जिसको लेकर भूविस्थापित लगातार एनटीपीसी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं।